मैं ज़ारनक सदवा हूँ, कुछ लोग जानते हैं मुझे। मैं कुकिंग करती हूँ, बहुत शौक़ है मुझे कुकिंग का, मेरा पैशन है। छोटी सी फैमिली है, मेरे दो बेटे हैं। माय सन इज़ इन स्कूल, यंगर वन, बड़ा वाला जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाता है। माय फादर हैड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन माय चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप। ही ऑलवेज सेड दैट यू नो यू डू नीड सम इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ बैकअप और एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट और समथिंग लाइक दैट, बट माई हस्बैंड ऑलवेज ब्रश्ड इट ऑफ, कह रहे भाई ये क्या पुराने ज़माने की बातें हैं। आई डोंट थिंक ही वॉज अ बिग एडवोकेट ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। ही वुड जस्ट लाफ इट ऑफ कि अब कहाँ हमें इतना जल्दी मरना है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। बट वी नेवर न्यू दैट दिस वुड हैपन। व्हेन माई सन टर्न्ड 18, माई हस्बैंड पास्ड अवे। अचानक उनको कैंसर हो गया आउट ऑफ द ब्लू एंड विद इन 6 months ही पास्ड अवे। उसके बाद मुझे EFU की तरफ से इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। एवरी मंथ आई वुड गेट सम अमाउंट, आई कुड यूज दैट अमाउंट विथ माई चिल्ड्रन, एंड वो भी मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। इट वॉज लाइक अ सपोर्ट। द पॉलिसी हैज़ रियली हेल्प्ड अस, बिकॉज उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई सिचुएशन हमें फेस करना पड़ेगा। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे को परस्यू करना था मेडिकल एंड ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो फिर हम उसको किस तरह किसी अच्छे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज भेजते। So this EFU education policy has really benefited us. मेरा बेटा already medical college में था जब ये education policy उसकी mature हुई, और within a few weeks the amount was given to us and the process was very smooth. कोई इतना मसला नहीं हुआ and बहुत मुझे cooperation मिला था from EFU and I was very happy with the services and the way the whole process was carried out. चूँकि आई एम एन ओनली चाइल्ड, आई डोंट हैव पेरेंट्स, आई डोंट हैव सिबलिंग्स, सो आई डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम माई साइड ऑफ द फैमिली जो सपोर्ट करे मेरे बच्चों को फाइनेंशियली एंड इमोशनली जब मैं नहीं होंगी। आफ्टर माई हस्बैंड पास्ड अवे तो मैंने सोचा कि हाउ शुड आई हेल्प देम आउट यू नो अ बिट। तो फिर मैंने भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली ताकि गॉड फॉरबिड अगर मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट माई चिल्ड्रन हैव फाइनेंशियली बीन यू नो बैक्ड अप और वो ज़रा थोड़े से स्टेबल हों। और बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन है, जो कि आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है, कि 20 साल तक फंस जाएंगे पैसे हमारे और किस तरह फिर एक्सेस करेंगे, किस तरह जब मैच्योर होगी ये पॉलिसी तो फिर किस तरह पैसे हमें मिलेंगे। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एंड द व्यूअर्स के हमें कोई मसला नहीं हुआ था। इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। वी हैड जस्ट टू फिल अ फ्यू फॉर्म्स एंड यू नो गिव अ फ्यू डिटेल्स, बिकॉज जब ये एकदम से लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल विद अस, वी डिडंट नो हाउ वी वुड डील विद द चिल्ड्रंस एजुकेशन। So it was a very smooth process and we had no issues with the maturity of the policy. I think my advice to all the women watching this video would be ke please aap if you can spare some amount from your savings, you must go ahead and buy an insurance policy, ya life ki ho ya phir bachchon ke education ki ho, because jis tarah hame ye situation face karni padi apni life mein, we never thought we would go through this at such a early age. So hame to ye bahut as a family it's very beneficial for us.